हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 22 और 23 को RGPB के सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स का चैलेंज प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, जिसके बाद यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे, साथ साथ इंस्टा पर भी मैसेज कर रहे थे कि हम लोगों का चैलेंज का रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यार आपका जो चैलेंज का रिजल्ट रहता है, चैलेंज प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगले ही दिन आ सकता है या फिर 1 वीक के अंदर आता है। अभी कुछ दिन पहले 6th सेमेस्टर BE BTech बी फार्मेसी वालों का चैलेंज प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, तो उनका रिजल्ट अगले दिन और कुछ कुछ स्टूडेंट्स का उसके अगले दिन आ गया था। मतलब कि एक दो दिन में सभी का रिजल्ट ओपन हो गया था। 6th वालों के बाद 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स गए थे BE BTech बी फार्मेसी वाले, उनका भी चैलेंज का जो रिजल्ट है वो 1 वीक में आया था। तो दोस्तों, कोई कंफर्म नहीं है कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 7 डेज है, 8वें दिन आपका रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी चैलेंज प्रोसेस कंप्लीट होने के जस्ट अगले दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है, कभी कभी 1 वीक बात करता है, मैक्सिमम आप लोग 7 से 8 दिन मान के रखिए। तो दोस्तों, आपका 23 को कंप्लीट हुआ है चैलेंज प्रोसेस, तो दोस्तों आप लोग मानिए 1 दिसंबर के पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 1 वीक के अंडर ही आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की लाइन भी ओपन है। साथ के साथ आपका जो एग्जामिनेशन है वो बैकलॉग का या फिर बोल सकते हैं करंट सेमेस्टर का बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। तो दोस्तों, RGPB भी ट्राई करेगा कि आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर करे। तो दोस्तों, आप लोग चिंता ना करिए, आपका रिजल्ट 1 दिसंबर के पहले ही आ जाएगा, 2-3 दिन में ही ओपन हो जाएगा, हालांकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो दोस्तों, आई थिंक वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।